हेलो एवरीवन, इस वीडियो में स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 12 जो कि एक्सरसाइज 10.2 का है, सर्कल का क्लास 10th। और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन में आपको डायग्राम गिवन है और स्टेटमेंट है इसका, ए ट्राइंगल ए बी सी ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर। एक ट्राइंगल ए बी सी बनाया गया है सर्कमफ्रेंस, एक सर्कल के ऊपर मतलब बना हुआ है, और जिस सर्कल का रेडियस है 4, तो इसका रेडियस तो हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। सच डेट द सेगमेंट्स ए बी सी एंड डी सी, बी डी एंड डी सी, इन टू विच बी सी इज डिवाइडेड बाई द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट डी। ठीक है, मतलब सी डी को ये डी पॉइंट डिवाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कि जो लेंथ है बी सी सी डी का और बी डी का, वो है 6 और 8 सेंटीमीटर, फिगर में दे रखा है। अब फाइंड द साइड्स ए बी एंड ए सी, आपको ए बी और ए सी साइड फाइंड करना है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले यहाँ पे गिवन लिखते हैं हम लोग। गिवन में है कि सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड सी डी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर एंड बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे टू प्रूव में हमें क्या करना है, टू प्रूव में हमें करना है फाइंड करना है ए बी और ए सी हमें फाइंड करना है, ये दोनों चीज़ें फाइंड करनी है। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन हम लोग देखो क्या करेंगे, हम लोग ना ज्वाइन करेंगे, जैसे कि ओ को सी से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, ओ को बी से ज्वाइन करेंगे, ओ को ए से ज्वाइन करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे भी ज्वाइन करेंगे जहाँ पे सर्कल टच कर रहा है, तो इसको नेम भी देना पड़ेगा। जैसे डी है तो इसको ई और इसको एफ दे देते हैं नेम। ठीक है, तो ज्वाइंट आप सेंटर ओ टू पॉइंट्स ए बी सी ई एंड एफ, क्योंकि डी से तो ऑलरेडी इसने ज्वाइन करके दे रखा है। देखो ये रेडियस है, ठीक है, तो ये भी रेडियस है, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमारा प्रूफ स्टार्ट होता है। अब देखो प्रूफ में सबसे पहले भाई ओ डी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो ये इसके परपेंडिकुलर होगा, ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा और ये भी इसके परपेंडिकुलर होगा। क्यों? क्योंकि रेडियस परपेंडिकुलर होता है टेंजेंट के, तो सबसे पहले हमें ये लिखना है। ठीक है, ओ डी परपेंडिकुलर टू बी सी, ओ ई परपेंडिकुलर टू ए बी एंड ओ एफ परपेंडिकुलर टू ए सी, क्योंकि रेडियस इस परपेंडिकुलर टू टेंजेंट होता है एट पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे, ये थ्योरम है हमारे। ठीक है, तो ये आ गया 90 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, ये 8 है, ये 8 है, इसको हम लोग ना एक्सलेट कर लेते हैं, तो आपको पता है ये भी एक्स हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक्सटर्नल पॉइंट से पेयर ऑफ लेंथ इक्वल होता है, जैसे ये 8 है तो ये भी हो जाएगा 8 और ये 6 है तो ये भी हो जाएगा 6। इसको लिखना पड़ेगा, सबसे पहले हम लिखते हैं, लेट करते हैं, लेट ए इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। ठीक है, अब लिखेंगे हम ए ई इज इक्वल टू ए एफ इज इक्वल टू एक्स सेंटीमीटर। इसी तरीके से बी एफ बी ई इज इक्वल टू बी डी, बी ई इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। इसी तरीके से सी डी इज इक्वल टू सी एफ, सी डी इज इक्वल टू सी एफ इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। क्यों? क्योंकि लेंथ ऑफ पेयर ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट पॉइंट आर इक्वल। ठीक है, थ्योरम नंबर 2 है हमारे। ठीक है, इक्वल होते हैं, इतनी बात समझ में आ गई। अब उसके बाद देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ना ये जो 3 पार्ट इसके हमने ट्राइंगल के किए हैं, एक तो ये वाला ओ बी सी, ओ बी सी, फिर ए ओ बी, फिर ए ओ सी, इन तीनों पार्ट के अलग अलग एरिया निकालें, क्योंकि इसका देखो हमें बेस गिवन है, परपेंडिकुलर भी गिवन है, इसका भी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है, इसका भी बेस गिवन है, परपेंडिकुलर गिवन है। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर मैं लिखता हूँ, सबसे पहले ओ बी सी, बी ओ सी ही लिखता हूँ भाई, बी ओ सी में बेस क्या है ये और परपेंडिकुलर क्या है ये, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू परपेंडिकुलर, तो इसका एरिया हो जाएगा हाफ
बेस का मतलब बी सी, परपेंडिकुलर मतलब ओ डी, तो हाफ बी सी का मतलब हो गया 6 + 8, इंटू में ओ डी का मतलब हो गया 4, तो इसको इससे काटूंगा तो आएगा 2, तो यह आ गया 14 इंटू में 2 हो गया 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से ए ओ बी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी हो जाएगा हाफ, ए ओ बी का बेस हो गया ए बी, इंटू में हाइट हो गई, परपेंडिकुलर हो गया ओ ई, तो हो गया 1/2। ए बी की लेंथ कितनी हो जाएगी, एक्स प्लस एट, ठीक है, इंटू में हाइट हो गई 4, तो कट गया 2, तो आएगा 2x + 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से हम ए ओ सी फाइंड करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी, तो हो जाएगा हाफ, बेस हो गया ए सी, इंटू में परपेंडिकुलर हो गया ओ एफ, तो हो गया हाफ, ए सी का लेंथ हो गया x + 6 और इसका हाइट हो गया 4, 2 से इसे काटूंगा तो आएगा 2, तो आएगा 2x + 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है जी, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम क्या करेंगे, पूरे ट्राइंगल ए बी सी का एरिया फाइंड करेंगे बाई हीरोन्स फॉर्मूला। तो इन ट्राइंगल ए बी सी स्मॉल एस निकालते हीरोन्स फॉर्मूला में होता है सम ऑफ साइड्स अपॉन बाई 2, तो आएगा ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए अपॉन में 2। ठीक है, ए बी की वैल्यू हमारी है, ए बी की वैल्यू है हमारी x + 8, बी सी की वैल्यू है हमारी 6 + 8 मतलब कि 14, और सी ए ए सी की वैल्यू है हमारी x + 6 अपॉन में 2। ठीक है, अभी आ गया x + x 2x + 28 / 2, ये हो गया आपका 2x + 28 / 2, 2 कॉमन लेंगे तो आएगा x + 14 / 2, तो आ गया x + 14, ये हमारे पास आ गई s की वैल्यू। ठीक है, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी इज इक्वल टू हो जाएगा रूट में s माइनस पहली साइड ए बी, फिर s - bc, फिर s - ca। ठीक है जी, तो आएगा रूट में s की वैल्यू x + 14, फिर यहाँ पे s की वैल्यू x + 14 माइनस ab की वैल्यू है हमारी x + 8, तो यहाँ पे आ गया x + 8, फिर s माइनस मतलब x + 14 माइनस का bc है 14, फिर आएगा s - ca, s की वैल्यू x + 14 माइनस ca, c की वैल्यू x + 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखो रूट में क्या बच गया, यहाँ पे x + 14, यहाँ पे माइनस है, माइनस से ब्रैकेट ओपन होगा तो -x - 8 आएगा, तो x कट जाएगा, 14 - 8 हो जाएगा 6, या 14 से 14 कट जाएगा बच जाएगा x, और x + 14 -x - 6, तो x कट जाएगा, 14 - 8 = 6 = 8, तो ये हमारे पास आ गया एरिया। ठीक है, अब हम लोग देखो क्या करेंगे, जो हमने तीन ट्राइंगल निकाले हैं ओ बी सी, ओ ए बी और ओ ए सी, इन तीनों का सम बराबर एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी होगा, तो हम इसको यूज़ करेंगे। ठीक है, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ए ओ बी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ बी ओ सी प्लस का एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ओ ए, ये लिख सकते हैं ना हम लोग इस डायग्राम के हिसाब से। तो देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी हमारा कितना आया, ये रहा रूट में x + 14, 6 × x × x = 8, तो आएगा रूट में x + 14, 6 × x × 8, ठीक है, 6 × x × 8। ठीक है, अब ए ओ बी का एरिया, ए ओ बी का एरिया ये रहा 2x + 16, बी ओ सी का एरिया ये रहा 28, सी ओ ए का एरिया या ए ओ सी का एरिया 2x + 12। ठीक है जी,
अब देखो यहाँ पे, यह आ गया रूट में एक्स प्लस 14 और 6 इंटू में 2 हो गया 48x इज इक्वल टू 2x प्लस 2x हो गया 4x प्लस का 16 प्लस 28 प्लस 12 हो गया 56। यहाँ से 4 को मान लूँगा तो आएगा एक्स प्लस 14 और रूट में यहाँ पे एक्स प्लस का 14 48x। अब यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड तो आएगा एक्स प्लस का 14 इंटू 48x इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर और एक्स प्लस 14 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक्स प्लस 14 से एक्स प्लस 14 कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और यहाँ पे एक 4 से काटूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 आ जाएगा ना, तो और इसको दोबारा काटूंगा 4 से तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। तो 4x इज इक्वल टू आ गया x प्लस का 14। x उधर जाएगा, देखो इसको यहाँ पे थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये 16 है, 16 को सीधा अगर आप इससे काटोगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 3, 16 थी 48 होता है तो ये बचेगा 3x। ठीक है जी, 3x माइनस का x इज इक्वल टू 14, 2x इज इक्वल टू 14 और x इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। x की वैल्यू 7 आ गई, तो आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था ए बी और ए सी, ए बी और ए सी, तो हैंस ए बी इज इक्वल टू एक्स प्लस 8 मतलब 7 प्लस 8 इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। ये हमारे पास ए बी आ गया एंड ए सी इज इक्वल टू एक्स प्लस 6, एक्स प्लस का 6, एक्स की जगह पे 7 प्लस का 6, तो ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है जी, कंप्लीट है।